आजकल के मुश्किल दौर में जहाँ हर तरफ स्ट्रेस है, प्योर गजाएं नहीं मिलती हैं और बहुत ही अफरा तफरी का आलम है, ऐसे में एक अच्छी स्टमक हेल्थ और गट हेल्थ हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स हैं जिनके जरिए से गट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अपनी स्टमक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अरफा अनीस, क्लिनिकल योगा थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट। सो अपनी टाइमिंग्स का लाजमी ख्याल रखें। सोने से 3 घंटे पहले आप खाना खा लें और सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप खाना खा लेते हैं तो आपके स्टमक के लिए, आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है। दूसरी चीज है पानी। पानी के लिए एक असूल याद रखें कि हर खाने से पहले अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो ये सुन्नत भी है, ये आपके स्टमक पर ज्यादा वजन भी नहीं डालेगा और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा पूरे दिन में कोशिश करें कि आप 8 से 10 गिलास पानी की रूटीन लाजमी बनाएं। खाने के दरमियान में भी पानी लाजमी पिएं ताकि आप ओवर ईटिंग ना कर सकें, और इस बात की कसम खा लें कि आपने खाने के एंड में पानी नहीं पीना, क्योंकि खाने के एंड में पानी पीना वैसे भी खिलाफे सुन्नत है, वो आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग पैदा करेगा और आपके खाने को हजम होने में हर्डल पैदा करेगा। कि जो क्वांटिटी है खाने की वो इंडिविजुअल है, बाज लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, उनका खाना जल्दी हजम हो जाता है, बाज लोग थोड़ा सा खाना खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन हो जाता है, तो हम कोई एक खाने की क्वांटिटी सबके लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारा मजहब इतना खूबसूरत है कि उसने एक ऐसी प्रैक्टिस और एक ऐसा प्रिंसिपल दे दिया है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी इस चीज से भी जान छूट जाएगी कि हम कितना खाएं। और वो ये है कि भूख रख के खाएं, मतलब ये कि जब आपका मैदा 3/4 फिल्ड हो जाए तो आपने खाना रोक देना है, आपने पूरा मैदा फिल नहीं करना। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं कि मैं इतना सा खाऊं, मैं इतना खाऊं, एक प्लेट खाऊं, छोटी खाऊं, बड़ी खाऊं। आपने खुद से, अपने आप से डिसाइड करना है कि अभी मुझे हल्की सी भूख रह गई है तो मैंने खाना छोड़ देना है, इससे आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। तीसरी अहम बात की तरफ हम आते हैं कि खाना खाने के बाद वो हजम कैसे हो। हजम करने के लिए जो बेहतरीन टी समझी जाती है वो हमारे कावे हैं, जिंजर टी को बहुत बेहतर समझा जाता है, वो खाने को हजम करने में मदद करती है। मिंट टी बहुत बेहतर समझी जाती है। इन सब चीजों के लिए बजाय इसके कि आप डिफरेंट टीज की तरफ जाएं, क्योंकि कुछ गर्म होती हैं कुछ ठंडी होती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि योगी टी यूज करें, क्योंकि मेरी योगी टी जो है ये अगर आपने ओवर ईटिंग भी कर ली है, बहुत फैटी खाना भी खा लिया है या होटलिंग भी कर ली है, तो ये उसको हजम करने के लिए बेहतरीन है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि स्टमक हेल्थ के लिए जरूरी है, और वो ये है कि क्या खाया जाए। मोतदिल मिकदार में उसमें फैट भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। सो कार्ब्स खाने से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती, कार्ब्स जिसमें रोटी, दलिया, ओट्स, अनाज ये सारी चीजें आ जाती हैं, इनको खाने का जो बेहतरीन टाइम है वो है नाश्ता, क्योंकि आपको एनर्जी भी देती हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की भी जरूरत है। और जब आप डे टाइम में कोई भी हैवी नाश्ता कार्ब्स के साथ लेते हैं तो पूरे दिन में हजम हो जाता है, तो आपके वेट गेन करने के भी चांसेस कम से कम रहते हैं और मैदे पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ता। स्टूल बनाने के लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी रखें। एक चीज का और ख्याल रखें कि जो फ्रूट्स हैं या जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको आपने खाने के बाद नहीं खाना है। हमेशा फल खाने का असूल ये है कि उसे बिटवीन 2 मील्स खाते हैं, यानी कि खाली पेट, लेकिन वो खाली पेट ने हार्मोन नहीं होना चाहिए। आइडियली नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान जो टाइम होता है उसमें अगर आप रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट लेते हैं तो सबसे बेहतरीन है। अक्सर ऐसा होता है कि मील टाइम नहीं हुआ तो हमें भूख लगी है, तो उसमें सबसे बेहतरीन यह है कि आप कोई फल ले लें। इसके अलावा आप चाहें तो आप अपने लंच को स्किप करके भी उसकी जगह आपको फ्रूट चाट या वेजिटेबल्स और सैलड ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन की भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स बेसिकली प्रोटीन है, लेकिन उसमें भी अगेन ये बात आती है व्हाइट एंड रेड मीट। रेड मीट में बीफ रिकमेंडेड है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दफा यूज करें, और जरूर यूज करें। अगर आपको कोई बीपी कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो एक हफ्ते में एक दफा अगर आप बीफ लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हफ्ते में 2 दफा आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मीट भी ले सकते हैं, रेड मीट। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 दफा व्हाइट मीट का टाइम भी रखें, और इनके साथ आप मीट लवर नहीं है
तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अंडे के साथ। एग इज फुल ऑफ प्रोटीन। हफ्ते में एक या दो दफा अंडा ले रहे हैं तो आपकी वो प्रोटीन की कमी को भी पूरा कर रहा है। प्रोबायोटिक्स वो आपकी मैदे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको दही से मिल सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई मेडिसिन की तरफ जाएं। आप सिंपली हफ्ते में एक दफा भी अगर दही यूज कर लेते हैं या अपनी डेली रूटीन में अपने खाने में रायता या दही यूज कर लेते हैं, तो प्रोबायोटिक्स भी आपकी बॉडी में चले गए हैं। आपकी बॉडी को फैट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट रखने के लिए, आपकी ज्वाइंट्स हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए फैट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखें कि या देसी घी यूज करें या मक्खन यूज करें लिमिटेड मिकदार में, या ऑलिव ऑयल यूज करें। बहुत ज्यादा ग्रीजी चीजें या बहुत ज्यादा ऑयली चीजें अगर आपको खाने का बहुत शौक है तो कोशिश करें कि वो नाश्ते या दोपहर के खाने में खा लें अकॉर्डिंग टू योर वेट। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि फ्राइड आइटम्स आपके लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। तो आपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना है, और हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कॉमन सेंस रखी हुई है कि अगर मैं ऑलरेडी इतना फैटी हूं तो मैंने फैट लेस यूज करना है। ऑलिव ऑयल के बारे में कहा जाता है कि आपका पेप्टिक अल्सर या आपके मैदे में जो जख्म हो गए हुए हैं ये उनको भी ठीक करता है। तो अगर आप रूटीन बना लें कि हफ्ते में तीन दफा आप निहार मुंह एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का ले लें, तो वो भी आइडियली आपके स्टमक को बेहतरीन हालत में रखेगा, आपकी फैट की कमी को भी सेट करेगा और आपकी गट क्लींजिंग में भी हेल्पफुल है। ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन जरूर होनी चाहिए जिससे आपकी गट क्लींजिंग हो सके, जिससे आपके इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, ये सब चीजें हेल्दी वे में काम कर सकें। यू नीड टू यूज आंवला बेरा हरीर। तो बजाय इसके कि हम अलहदा अलहदा आंवला बेरा और हरीर यूज करें, क्यों ना हम इसका कॉम्बिनेशन यूज करें। उसके लिए आप त्रिफला लाजमी यूज करें। इट विल चेंज योर गट हेल्थ, डिटॉक्स भी करेगा बॉडी को, आपकी तमाम इंटेस्टाइन, आपकी स्टमक की क्लींजिंग भी करेगा और आपकी को एक हेल्दी डाइजेशन और एक हेल्दी स्टमक हासिल करने में भी हेल्प करेगा। त्रिफला मेरे पास योगी त्रिफला के फॉर्म में मेरा अपनी फॉर्मुलेशन मौजूद है। योगी टी और त्रिफला के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जब चाहे ऑर्डर कर सकते हैं और शेयर करेंगे वीडियो, ताकि बाकी वो तमाम लोग जिनको एक हेल्दी मैदा हेल्दी डाइजेशन की जरूरत है उनको भी फायदा हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।